गुस्सा, एंगर, क्यों है ये, क्या है ये? मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जब आपका माइंड दूसरे के साथ सेट नहीं हो पाता है तो वहाँ पे वो उसका जन्म होता है, गुस्से का जन्म हो जाता है। उसके बाद ये बहुत सारा चीज कभी कभी तबाह करने का ताकत भी रखता है अपने आप में। मगर मेरे अनुसार मुझे नहीं लगता कि हर बार गुस्सा गलत होता है। गुस्सा इसलिए गलत नहीं होता है क्योंकि कभी कभी माँ गुस्सा होती है अपने बेटे के ऊपर कि तुम खाना नहीं खा रहे हो ठीक से। अब माँ को क्या पता कि बेटा बाहर से अपने दोस्तों के साथ डिनर करके आया हुआ है, यहाँ पे वो बोल भी नहीं सकता है। और यहाँ पे उसकी माँ परेशान है कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा। पिताजी का गुस्सा, तुम इतना देर से क्यों आ रहे हो घर में, बहुत बार पूछा जाता है। वो गलत चीज़ नहीं है, वो अपने बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए एक उठाया गया कदम है, वो सही है। माँ बाप का हक बनता है हमारे ऊपर पूछने का। फिर बहुत बार देखा गया रिलेशनशिप में गुस्सा क्यों है, रिलेशनशिप में भी गुस्सा है। वहाँ पे हम जिससे प्यार करते उसके ऊपर ही हम अपना हक जमाते हैं, और अगर वो हमारा सोच से थोड़ा भी अलग काम करे या अलग हटके काम करे तो हमें लगता है कि ये गलत है, ये धोखाबाजी है या कुछ भी है। वहाँ पे हमारा गुस्सा का जन्म होना चालू हो जाता है। जन्म हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसे ख़त्म नहीं किया गया तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि हर बार आप सही हो ये मानना सबसे बड़ा गलती है, और हर बार आप गलत हो ये भी मानना गलत है ना। दोनों को समझना होगा, आपको भी और दूसरे को भी, कि ये गुस्सा क्या है, क्यों है, इसका मेन कारण क्या था, भड़कने का इसका कारण क्या था। वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, हम लोग सब ध्यान देते हैं कि इस बीच में बातचीत क्या हुआ, कैसा रहा। वहाँ पे परेशानी आना चालू होता है जब हम समझ नहीं पाते। अगर सही कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी गुस्सा अच्छा चीज़ है। आप बैठ के अध्ययन करो कि दूसरे को नीचा दिखला के क्या आपको खुशी मिलता है। कब तक गुस्सा दिखलाओगे, जब तक इंसान है तभी तक उसके पास दिखला पा रहे हो, या जब तक वो रिश्ता है तभी तक आप गुस्सा दिखला पा रहे हो, आप हक जमा रहे हो। बहुत सारे केस में होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, हमें आप अलग कर दो, डाइवोर्स लेना है हमें, ठीक है ले लेते हैं। उसके बाद फिर उनको याद आना चालू होता, उतना भी ख़राब नहीं था। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर आया, आई वेंट बैक टू माई हस्बैंड आई आफ्टर डाइवोर्स 3 ईयर्स के बाद। वो वापस जाती है अपना हस्बैंड के पास क्योंकि बोलती है हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ कि बाहर वाले लोगों का ज़्यादा सोच था वहाँ पे, और ये सब के कारण गुस्सा हो गया, आदान प्रदान हुआ होगा दोनों के बीच में, कहा सुनी तू तू मैं। लेकिन जाते जाते वो बहुत सारा चीज़ लेके चले जाता है, ये एक सुनामी की तरह है जो आता है, बसा बसा आया घर को उजाड़ के अपने साथ ले जाता है। तो अपने ज़िंदगी में कोशिश करो कि ये सुनामी आने का कभी नौबत ही ना आए, नौबत ना आए वहाँ पे, क्योंकि जाते जाते ये सारा चीज़ लेके चले जाएगा, फिर आपके पास अफसोस के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर गुस्सा दिखला के क्या करोगे, किस पर गुस्सा दिखलाओगे अपना, जब वो चीज़ हो गई नहीं वहाँ पे, आप अपने आप तो गुस्सा कर दे रहोगे। होता है बहुत बार इंसान अपने आप पर ही गुस्सा करता है, इसलिए गलत कदम उठाता है, वो कभी कभी सुसाइड कर लेता है, कुछ कर लेता है, उसका सोचने का समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। ये गुस्सा वैसा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब।